यदि आपने कभी कोई जासूसी टीवी शो या फॉरेंसिक से जुड़ा कुछ भी देखा है तो आपको जरूर मालूम होगा कि कुछ विचित्र चीजें शवों के साथ हो सकती है। जीवित लोगों के लिए वे चीजें काफी सामान्य हो सकती हैं, लेकिन यदि आप उन चीजों को लाशों के साथ होते हुए देखेंगे तो आप निश्चित रूप से चौंक जाएंगे और डरना शुरू कर देंगे। आज हम आपको ऐसी ही कुछ विचित्र चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। हम बताएंगे कि एक मृत शरीर के साथ क्या कुछ हो सकता है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ऐसा कुछ आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नंबर 6, मौत के बाद भी शव का हिलना। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि मृत्यु के बाद भी शरीर में कुछ हलचल होना संभाविक है। डरने वाली बात यह है, जीवित लोग इस प्रकार हिलडुल नहीं कर सकते जैसा एक डेड बॉडी कर सकती है, और निश्चित रूप से अगर आप ऐसा कुछ किसी मुर्दे के साथ होता हुआ देखोगे तो आप चौंक जाओगे। मृत्यु के बाद भी हमारा दिमाग नर्व सिग्नल्स को मांसपेशियों में भेज रहा होता है, जिसकी वजह से शरीर के कुछ भाग बेतरतीब ढंग से हिलडुल सकते हैं। इसमें हाथों, पैरों की उंगलियां और मुट्ठियों का बंद और खुलना शामिल है। नंबर 5, मृत शरीर दे सकता है बच्चों को जन्म। यदि आपने कॉफिन बर्थ शब्द नहीं सुना है तो अब आप जान जाओगे कि इसका मतलब क्या है। संक्षेप में बताएं तो जब कोई महिला गर्भावस्था के दौरान मर जाती है तो दफनाने के बाद उसके शरीर में गैसों में वृद्धि होने लगती है और पेट में दबाव की वजह से काफी बुरी स्थिति पैदा हो जाती है, अर्थात मृतक के पेट से भ्रूण अपने आप निकलने लगता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लाश बच्चों को जन्म दे रही है और भ्रूण हमेशा के लिए ताबूत में ही रह जाता है। नंबर 4, मृतक के शरीर से आ सकती है अजीब आवाजें। लाश बहुत सारे अजीब शोर कर सकती है और वास्तव में मृतक शरीर कराह भी सकता है। ये लाशों में एक सामान्य बात है, क्योंकि हवा अभी भी फेफड़ों में छिपी होती है और जब ये विंड पाइप से बाहर निकलती है तो कुछ अजीब आवाजें हो सकती है। बहुत से लोग शरीर से अजीब आवाजें सुनते हुए अनुभव करते हैं जब वे उन्हें ले जा रहे होते हैं। नंबर 3, मृतक शरीर में हो सकता है विस्फोट। मौत के बाद शरीर का तापमान गिरता है, हालांकि इसके विपरीत पोस्टमार्टम हाइपरथर्मिया नामक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मृत्यु के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होती है। यदि तापमान बढ़ता रहता है और शरीर गर्म होता है तो ये टुकड़ों में फट सकता है। और दूसरी तरफ एक और कारण से ऐसा हो सकता है, और वो है बॉडी में गैसों का बनना, जो विस्फोट का कारण बन सकता है। आपको ये पूरी तरह से असंभव लग रहा होगा, मगर आपको ये बता दें कि वास्तव में ऐसा हो चुका है। 2013 में मेलबर्न में एक मकबरे में ऐसा हुआ था और तब वहां मौजूद सारे लोग इसे देखकर चौंक गए थे। नंबर 2, आप जान सकते हैं कि आप मर चुके हैं। जो लोग मृत्यु के निकट की स्थिति या मौत का अनुभव करते हैं लेकिन मौत के कुछ समय बाद जाग जाते हैं, और अक्सर अपने जीवन काल और अपने अनुभवों के बारे में बात करते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है ये अभी भी एक रहस्य है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए हैं जिसमें उन्होंने साबित किया कि एक व्यक्ति के मरने के बाद भी मस्तिष्क जागरूक और सचेत रह सकता है। वैज्ञानिकों ने 2000 से अधिक ऐसे लोगों का परीक्षण किया जो मौत के कुछ समय बाद जाग जाएं। उन लोगों में से लगभग 50% ने कहा कि मरने के बाद वे ये जानने में सक्षम थे कि कमरे में अन्य लोग क्या कर रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं। प्रयोग में पाया गया कि जागरूकता की ये अवधि 10 से 20 सेकंड से काफी कम थी। नंबर 1, ग्रोथ मिथ। अब बात करते हैं मिथ की। हम में से बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के बाद नाखून और बाल बढ़ सकते हैं। खैर, ये एक मिथक और गलत धारणा है। क्योंकि शरीर में अधिक ऑक्सीजन न होने के कारण शरीर ग्लूकोज का उत्पादन नहीं कर सकता, इसीलिए आपके बालों या नाखूनों का बढ़ना असंभव है। वास्तव में क्या होता है कि आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और त्वचा सिकुड़ने लगती है। पुरुषों की डेड बॉडी में ऐसा लगता है कि जैसे उनकी दाढ़ी बढ़ रही हो, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तव में बाल और नाखून बढ़ने के बजाय त्वचा सिकुड़ जाती है। सो दोस्तों, ये थे कुछ सबसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। आपको इनमें से किस फैक्ट ने सबसे ज्यादा हैरान किया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।